तो आर्थिक संकट नो सामनो करी रहेला पाकिस्तान अनाज अने पैसा मेळवा माटे दुनियाना घणा देशोना चक्कर लगावी रह्यो छे। त्यारे यूएईनी मुलाकाते पहोंचेला पाकिस्तानना पीएम शहबाज शरीफे एक इंटरव्यूमां महत्वनुं निवेदन आप्युं। तेमणे जणाव्युं के अमे भारत साथे 3 युद्ध लड्या, परंतु हवे पाकिस्तानने पाठ शीखव्यो छे। तो ये अपना पर निर्भर छे कि अपने अपना संसाधनों अने लोकों ने युद्ध में बर्बाद करवा छे कि शांति थी जीवीने एकबीजा ने मदद करीने पोताने मजबूत बनावू छे। तेमणे वधुमां कह्युं कि भारतना वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी एक मंच पर आवा अने अमारी साथे वातचीत करवा आमंत्रण आपवा मांगे छे, जेथी करीने काश्मीरनो मुद्दो उकेली शकाय। काश्मीर मुद्दे फरीकवार दुष्प्रचार चलावता शाहबाज कह्युं कि काश्मीरमां स्थानिक लोकोना आजीवनने पाटा पर लावा खूब ज महत्वपूर्ण छे, आ माटे बंने देशोए साथे मळीने काम करवू पड़शे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की ने वैश्विक आतंकवादी जाहिर करीने पाकिस्तान ने मोटो झटको आप्यो छे। अब्दुल रहमान मक्की ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नी अलकायदा प्रतिबंधित समिति हेठळ वैश्विक आतंकवादी जाहिर करवामां आव्यो छे। यूएस सरकारे मक्की पर 2 मिलियन नुं इनाम जाहिर कर्युं हतुं। भारत में अब्दुल रहमान मक्की पर जम्मू और काश्मीर में हिंसा और हमलाओ करावा माटे, युवाओं ने आतंकी कामकाज माटे फंडिंग, आतंकी प्रवृत्तियों माटे भर्ती करवा और कट्टरपंथी बनावानो आरोप छे। मक्की लश्करे तैयबानो वडो पण छे। गया वर्षे भारत अब्दुल रहमान मक्की ने वैश्विक आतंकवादी जाहिर करवा माटे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पण लाव्यो हतो, परंतु चीने भारत प्रस्ताव ने रोकी दीधो। जूनमां भारते पण आ मुद्दे चीननी आकरी टीका करी हती। साबरकांठा अने अरवली जिल्लाना पशुपालकोनी जीवादोरी समान साबर डेरी द्वारा दूधना प्रति किलो फेटे ₹20 नो भाव वधारो करवानो निर्णय लेवायो छे। त्यारे 21 जानुआरी थी भाव वधारो लागू पड़शे, जेने लईने दूध मंडळीओमां परिपत्रो करी देवामां आव्या छे। तो आगामी 21 जानुआरी थी भैंसना दूधनो प्रति किलो फेटनो भाव ₹800 रहेशे, जेने लईने 3.5 लाख पशुपालकोमां खुशी जोवा मळी रही छे।